इसको रिड्यूस्ड हाइट बोलते हैं, ये ध्यान रखना। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग कंचन जी, नमस्ते बेटा। तो यहाँ पर क्या है, बी इसका राइट आंसर होगा। लर्मा रोजो और सोनारा इसकी कुछ किस्में हैं। क्या हुआ बेटा, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ये रहा। पीएच मान 4 पर किस फास्फोरस आयन की प्रधानता होती है? पीएच विच फास्फोरस आयन प्रीडोमिनेंट एट वैल्यू 4.0। 4 पीएच मान पर कौन से आपके इसकी प्रधानता होगी, ये ध्यान रखना है आपको। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, नमस्ते ममता जी, सभी को नमस्ते भाई। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कोई क्लास में टेक्निकल मिस्टेक थी क्या? गुड इवनिंग पृथ्वी सिंह जी। तो यहां पर देखिएगा, पीएच मान 4, इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि अम्लीय मृदाओं में कौन से फास्फोरस की प्रधानता होती है, या कौन सा फास्फोरस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइएगा यहां पर HPO4, H2PO4 और PO43। फास्फोरस के तीन रूप आपको देखने को मिलेंगे। अजय जी नमस्ते, नमस्ते अजय जी। ठीक है, यहां देखिएगा फास्फोरस के तीन रूप, एक होता है H2PO4, एक होता है HPO4, फिर होता है PO4। ये फास्फोरस आपको अम्लीय मृदाओं में दिखाई देगा। अम्लीय मृदाओं में इसका कंसंट्रेशन होता है, उदासीन में इसका होता है और क्षारीय मृदाओं में इसका होता है। इसलिए एक बार आपके आरपीएससी ने एओ की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जो कि जल भराव या आपके वाटर लॉगिंग की कंडीशंस में उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो फास्फोरस का जो आपके ये रूप है अम्लीय रूप, ये वाला रूप जो है कहां बढ़ जाता है, अम्लीय मृदाओं में बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो बी इसका क्या है, राइट आंसर है। नमस्ते विशाल जी, नमस्ते। तो यहां पर क्या दिखाई देगा, बी इसका राइट आंसर दिखाई देगा, H2PO4। बिल्कुल राकेश जी, बी सही आंसर है। करण सेनी 82, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, 82 बहुत अच्छा। ठीक है, क्योंकि सुपरवाइजर में राजस्थान में बहुत गिने चुने लोगों के ही, जिसको कह सकते हैं, ये नंबर देखने को मिलेंगे। सतपाल चेलिया मलसी सर से जुड़े हैं, नमस्ते जी नमस्ते। देखिएगा, गन्ने की उत्पादकता किस राज्य में सर्वाधिक है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ सुगर कैन? देखिएगा, गन्ने की अगर हम उत्पादकता की बात करें या आपके उत्पादन की बात करते हैं, तो उत्पादन तो बाबा जी के यहां पर सबसे ज्यादा है। उत्पादन कहां है, बाबा जी के सबसे ज्यादा है यहां पर। लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्षेत्रफल पूछ लिया जाए हमें, तो क्षेत्रफल भी कहां है, बाबा जी के यहीं पर है। लेकिन ध्यान रखना, उत्पादकता साउथ में दिखाई देगी, साउथ में दिखाई देगी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कहां, साउथ में, ये ध्यान रखना आपको। तो उत्तर प्रदेश आपके विष्णु कितने हो रहे बेटा, कर्नाटक तमिलनाडु, तो आपके इसकी प्रोडक्टिविटी प्रति हेक्टर उत्पादकता सबसे ज्यादा, तो प्रति हेक्टर जो उत्पादकता है वो कहां दिखाई देती है, गन्ने की, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में क्या है इसकी प्रोडक्टिविटी, एक हेक्टर में सर्वाधिक गन्ना, गन्ना बोया तो जाता है सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया में, और गन्ने की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है और प्रोडक्शन साउथ इंडिया का होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर गन्ने की अगर एरिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, नॉर्दर्न, और अगर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की बात करें, अगर हम प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें, तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी जो कह सकते हैं हम आपके, तो ये आपके कहां दिखाई देगी, ये साउथर्न इंडिया में आपके। ठीक है, तो यहां पर तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बजट आ गया, बिल्कुल बजट की चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में 9:30 बजे। बजट में कृषि से संबंधित क्या नया और कुछ विशेष हुआ है आज के बजट में, जिसकी चर्चा करेंगे रात के क्लास में 9:30 बजे। और वहां चर्चा करेंगे कि किन, जिसको कह सकते हैं वैकेंसीज को लेकर के अनाउंस हुआ है, 70,000 वैकेंसीज को घोषणा की है, क्या एग्रीकल्चर में भी कोई वैकेंसी की संभावना बनती है। हाँ, चीनी मिल सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। तो 9 बजे वाले, 9:30 बजे वाले सेशन को भी आप अपने साथी विद्यार्थियों को जरूर शेयर करें। तो देखिएगा, फसलों व सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाओं के युग्मों में से कौन सा एक युग्म गलत है उसको छांटना है आपको। सेलेक्ट वन रॉन्ग पेयर फ्रॉम द पेयर्स ऑफ क्रिटिकल स्टेज ऑफ क्रॉप्स एंड इरिगेशन। फसल में कौन सी क्रांतिक अवस्था है, फसल में कौन सी क्रांतिक अवस्था है जिस पर सिंचाई किया जाना सबसे जरूरी है। तो आपके एक पेयर ऐसा है जो गलत है, उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट वन रॉन्ग पेयर फ्रॉम द पेयर्स ऑफ क्रिटिकल स्टेज ऑफ क्रॉप्स एंड इरिगेशन। बाजरा बाली अवस्था, जिसको कह सकते हैं ईयर स्टेज, कपास में फ्लोवरिंग आने से पहले, गेहूं में मुकुट जड़ बनते समय वीट एट द टाइम ऑफ क्राउन रूट इनिशिएशन, मूंगफली में फली के विकास के समय एट द टाइम ऑफ पॉड डेवलपमेंट, इनमें से आपको बताना है। ठीक है, तो मूंगफली में अगर देखें तो फली के विकास के समय, फली के विकास से पहले सबसे क्रिटिकल उसकी पैगिंग अवस्था पर, अगर पैग्स बनते समय अगर पानी नहीं मिला तो पैग्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, बिल्कुल सुइया बनते समय, राकेश जी बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया आपने। तो यहां पर जो डी आंसर है, मूंगफली में फली के विकास के समय नहीं, पहले पैगिंग बनेगी, पहले पैग्स बनेंगे, पैग्स के बाद में, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, सुइया बनते समय, तो सुइया बनते समय और सुइया बनने के बाद से लेकर के जब तक उसमें दाने का डेवलपमेंट होता तब तक, ये ध्यान रखना। तो बाजरे में जब बाली अवस्था है, कपास में बिफोर फ्लोवरिंग है, गेहूं में मुकुट जड़ बनते समय क्राउन रूट इनिशिएशन, और ये 21 डेज पर आपको दिखाई देती है। बीएल भारद्वाज साहब ने ये बताया था। किसने बताया था, तो बीएल भारद्वाज साहब ने ये बताया था। बिल्कुल रजील जी, सही है आपका, डी राइट आंसर है। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, सामान्यतया मृदा अम्लता को किसके द्वारा सुधारा जा सकता है या ठीक किया जा सकता है। सामान्यतया मृदा की अम्लता को, अगर कोई एसिडिक सोइल्स है तो एसिडिक सोइल्स का रिक्लेमेशन कैसे किया जा सकता है। सोइल एसिडिटी इज जर्नली करेक्टेड या जर्नली रिक्लेमेशन, जिप्सम से, चूने से, आयरन पायराइट से, या ए और बी दोनों से सामान्यतया मृदा की अम्लता को सुधारा जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा सर, गिर या राठी, शायद कोई वो एक क्वेश्चन आपके आया था उसमें सुपरवाइजर में, तो उसके ऊपर के दो करेक्टर्स तो कुछ अलग दिखा रहे हैं और नीचे का एक करेक्टर जिसको कह सकते कुछ अलग दिखा रहा है, तो विवादास्पद क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी तो सर ने जिसको कह सकते आपको अच्छे से बताया होगा सर ने कि क्या होगा, तो लक्ष्मण सर जिसको कह सकते हैं उसके बारे में आपको ज्यादा अवगत करवा पाएंगे। तो यहां पर जिप्सम जिसको कह सकते हैं, जिप्सम कहां, तो जिप्सम तो आपके क्षारीय मृदाओं के सुधार में काम में आती है। ठीक है, क्षारीय मृदाओं में। ठीक है, आयरन पाइराइट कहां काम में आता, क्षारीय मृदाओं में। ठीक है, तो यहां पर क्या है, चूना जो है इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चूना इसका राइट आंसर है, बी। एनिमल हस्बेंड्री में जैसे कोई समस्या हो ना तो सर से आप संपर्क कर लेना, सर से संबंध कर लेना। ठीक है, सर सही बता देंगे आपके, जो सर जो राय दे उसका आप आगे क्या करें। ठीक, आप बिल्कुल एक ऊंटनी के दूध को लेकर, बिल्कुल भाई उसकी ऑफिशियल साइट जिसको कह सकते हैं उसमें स्टेटमेंट सही था। ठीक है, अब देखो ललिता जी, अब मैं उस पर नहीं जाऊंगा, जो है बाकी सारी चीजें आपके बेटा लक्ष्मण सर से एक बार आप चर्चा कर लेना, जो सर बताए उसके अनुसार कर लेना। ठीक है, तो यहां पर क्या है, तो बी इसका राइट आंसर है, चूना। चूने का प्रयोग किया जाता है
अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए डोलोमाइट का प्रयोग भी किया जाता है, डोलोमाइट, ठीक है, डोलोमाइट। यहां देखिएगा, एलोवेरा को प्रिजर्व अगर घरेलू रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फ्रिज में रख लो, खराब नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल आ जाएगी आपका, आप कहीं भी रहते हो भारत में। जल स्तर की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? By which instrument is the depth of water level measured? Lysimeter, odometer, piezometer और evaporometer। तो evaporometer का माध्यम आपके evaporation में आपको दिखाई देगा, odometer और lysimeter, lysimeter आपके ET को आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहां पर piezometer जो है ये क्या बताता है? Depth of water in soil, पानी की गहराई को बताता है। ओडोमीटर आपके बाइक में लगा होता है ना, ओडोमीटर बाइक में लगा होता है कि कब आएगी, लगभग 4 तारीख को एग्जाम थी आपके, तो आई थिंक मेरे ख्याल से 4 और 10 15 तक आई जानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 15। तो पीजोमीटर, इवोपोरीमीटर ये आपके किसको, इवोपोरेशन को दर्शाती है, ठीक है, इवोपोरेशन को। इवोपोरेशन कहां से होता है? इवोपोरेशन सोइल से होता है। इवोपोरेशन क्या है? सोइल से होगा, ये ध्यान रखना आपको। नमस्ते दशरथ जी। तो इवोपोरेशन कहां से? सोइल से होता है, लेकिन ट्रांसपायरेशन जो होता है ये प्लांट से या वेजिटेटिव पार्ट से होता है, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन जो होती है ये ट्रांसपायरेशन कहां से होती है? बाय वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। तो भाई वेजिटेटिव पार्ट आपके इसको कह सकते हैं। तो यहां पर सी, जिन्होंने पीजोमीटर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया आपका, राकेश शेर रेबारी जी, राम राम जी, राम राम जी, प्रमोद जी, बिल्कुल सही है सर। जिप्सम, क्षारीय मृदाओं को सुधारने में जिप्सम सबसे ज्यादा काम में ली जाती है। अगला, सोयाबीन में फ्लू क्लोरेलिन का प्रयोग करते हैं। फ्लू क्लोरेलिन इज यूज्ड एज ए सोयाबीन। फ्लू क्लोरेलिन है क्या? तो फ्लू क्लोरेलिन इज ए हर्बिसाइड। यह एक शाकनाशी है या खरपतवारनाशी है। फ्लू क्लोरेलिन को बेसालिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसालिन कहा जाता है, बेसालिन कहते हैं। इसका प्रयोग प्री इमरजेंस के रूप में किया जाता है। कहां? तो प्री इमरजेंस, तो प्री इमरजेंस के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग दलहन और तिलहनी फसलों में किया जाता है। इसका प्रयोग दलहन और तिलहन फसलों में किया जाता है, ठीक है, दलहन और तिलहन फसलों में इसका यूज करते हैं। आगे अगर हम बात करें इसमें, तो यहां ध्यान रखना है कि सोयाबीन में फसल उगने से पहले, फसल उगने के बाद, मिट्टी में मिलाकर के या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्लू क्लोरेलिन या बेसालिन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो फसल के उगने से पहले किया जाता है, प्री इमरजेंस। बिल्कुल जगदीप सिंह जी सही आंसर है, बिफोर द क्रॉप्स ग्रोइंग। तो यहां फसल के उगने से पहले आपके फ्लू क्लोरेलिन का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद धर्मराज जी आपका। देखिएगा, अगर एनिमल हस्बेंड्री का है तो सर बताएंगे। एग्रीकल्चर में किसी को एग्रो और होर्टी से संबंधित कोई समस्या हो तो वह मैं बता सकता हूं। सीयूटी का नोटिफिकेशन जिसको कह सकते, पहले आ ही चुका था, और आईसीआर में एडमिशन लेने के लिए सीयूटी के फॉर्म शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आंतरिक दिवस का अपने यहां से कोई लेना देना नहीं है। अरे उसके एलोवेरा का पल्प आप जिसको कह सकते हैं यूज ले रहे हो ना, तो पल्प खराब नहीं होता फ्रिज में नॉर्मल टेम्परेचर पर, घरेलू यूटिलाइजेशन के लिए। पौधों में तत्वों की गतिशीलता में कौन सा पादप हार्मोन सहायक है? विच प्लांट हार्मोन हेल्प्स इन द मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स इन प्लांट।
पौधे में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और उनकी गतिशीलता को अच्छे से मेंटेन करने के लिए इनमें से कौन सा पोषक तत्व आपके सहायक होता है? भूल का जैविक खेती को जनक, जल्दी भूल यारे, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और एबीए, पौधों में तत्वों की गतिशीलता मोबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। अल्बर्ट हावर्ड। तो यहां पर क्या है, ऑक्सिन जो होता है आपके पोषक तत्वों को गतिशीलता प्रदान करता है, ये ध्यान रखना है आपको। चर्चा करेंगे पंकज जी ठीक 9:30 बजे आपके उत्कर्ष के इसी यूट्यूब चैनल पर बजट के विशेष क्लास में। आज के सेशन में, आज के यानी कि बजट जिसको कह सकते हैं, लेखानुदान जो पेश किया आज राज्य सरकार ने, उसमें क्या रहा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन जो है आपके सुषुप्त अवस्था को तोड़ता है, अंकुरण को बढ़ावा देता है ये वाला, और सुषुप्त अवस्था को हटाता है, ठीक है, सुषुप्त अवस्था को दूर करना। तो यहां पर सी राइट आंसर है। जिब्रेलिन का एक और कार्य है, आपको पता होगा अंगूर में थिनिंग का कार्य भी जिब्रेलिन करता है और आपके पार्थेनोकार्पी भी ये डेवलप करता है। तो अंगूर में क्या करता है, विरलीकरण और अनिषेक फलन, ठीक। साइटोकाइनिन मुख्य रूप से कार्य करता है सेल डिवीजन, तो यहां पर सी इसका राइट आंसर। एबीए को आप एंटी जिब्रेलिन कह सकते हो, एंटी, ठीक है। अंधी गुड़ाई से क्या तात्पर्य है, ब्लाइंड होइंग या ब्लाइंड वीडिंग, वीडिंग शब्द अच्छा ना है, ब्लाइंड होइंग होता 50 से 60 ppm। रितु चौधरी जी, बीज रहित करना, ठीक है। ब्लाइंड होइंग से क्या तात्पर्य है, ब्लाइंड वीडिंग की जगह आप होइंग कर लीजिएगा, ब्लाइंड होइंग, ठीक है, जेड सीरीज टेस्ट में। फिर सारे बुक से दे देंगे तो फिर आपका वो बुक आप कर लोगे। सोडियम बेंजोइट, अगर वैसे पूछना चाहे सोडियम और पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइट में, ठीक है, तो सोडियम बेंजोइट ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि हल्का परिरक्षक है, इसलिए। तो ग्रीष्मकालीन जुताई समर प्लोइंग, खड़ी फसल की पंक्तियों में गुड़ाई करना, प्राथमिक भू प्रेषकण या अंकुरण से पहले गुड़ाई करना। तो ग्रीष्मकालीन जुताई नहीं है, खड़ी फसल की पंक्तियों में गुड़ाई करना, प्राथमिक भू प्रेषकण या अंकुरण से पहले गुड़ाई करना। तो ब्लाइंड होइंग जो होती है वो किस में की जाती है, ब्लाइंड होइंग की जाती है आपके एक तो गन्ना में की जाती है, और गन्ना के साथ ब्लाइंड होइंग आपके आलू में की जाती है, और ये क्या होती है, अंकुरण से पूर्व की जाती है, ठीक है, अंकुरण से पूर्व। लेकिन बुआई की आपके की जा चुकी है, उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं इसका, पहला ऑब्जेक्ट है अंकुरण को बढ़ावा देना, ठीक है, तो पहला तो है अंकुरण को बढ़ावा देना। दूसरा क्या है, दूसरा है खरपतवार को नष्ट करना। तीसरा क्या है, तीसरा मृदा की कठोर परत को हटाना, मृदा की हार्ड लेयर को, मृदा की कठोर सतह को, हार्ड लेयर को हटाना। तो यहां पर राइट आंसर क्या है आपका, डी, गन्ना और गन्ने के बाद आपके आलू। अभी पशु परिचर में 2500 रुपए का ऑफर चल रहा है इस समय। अभिषेक जी चर्चा करेंगे रात के 9:30 बजे वाली क्लास में। तीनों आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने वाला उर्वरक कौन सा है बताइएगा,
द फर्टिलाइजर दैट प्रोवाइड्स ऑल थ्री एसेंशियल न्यूट्रिएंट, तीनों आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? ठीक है, द फर्टिलाइजर दैट प्रोवाइड्स ऑल थ्री एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, डीएपी, डीएपी में देखो तो डीएपी में क्या दिखाई देगा, डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस, एमओपी में सिर्फ पोटास, एसएसपी में क्या होता है, एसएसपी में एक सल्फर है, एसएसपी में एक आपके कैल्शियम है, एसएसपी में एक आपके जिसको कह सकते हैं ये फास्फोरस है, और इसमें क्या है, एक आपके मैग्नीशियम है। एसओपी सल्फेट ऑफ पोटास में सल्फर है और पोटास है, तीनों आवश्यक पोषक तत्व, ठीक है, थ्री एसेंशियल न्यूट्रिएंट। अब थ्री एसेंशियल न्यूट्रिएंट में इसने ना तो ये कहा है कि प्राइमरी और ना ही ये कहा है सेकेंडरी, तो तीनों के रूप में अगर हम बात करें, तीनों आवश्यक पोषक तत्व है, तो तीनों तो इसी में है, सी ए, एम जी और एस। अब बताओ क्वेश्चन ने कुछ नहीं इंडिकेट किया, आंसर से पता लगाना है, ठीक है, आंसर से पता लगाना है। ठीक है, मोनिका सिंह रिट लगाने वाला क्वेश्चन मेरे पार्ट में नहीं है, मेरे सेक्शन में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिस पर विवाद हो एग्रो और हॉर्टिकल्चर में। आकाश जी फिलहाल नहीं, फिलहाल जिसको कह सकते हैं, सृष्टि बेटा लाइव है, राम राम बेटा सृष्टि। तो यहां पर एसएसपी क्या है, सिंगल सुपर फास्फेट, आपका ये ध्यान रखना है आपको, सिंगल सुपर फास्फेट। नमस्ते द ट्रूथ रिटर्न जी, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, ठीक है। मेरे वाले सेगमेंट में कोई है नहीं, फिर भी मेरे वाले सेगमेंट में किसी को लगे तो मुझे बता दीजिएगा। बीजामृत, बीजामृत बिल्कुल साफ और शुद्ध क्वेश्चन है, गाय का मूत्र, गाय का गोबर और जिसको कह सकते हैं चूना, इनको मिलाकर के बनाया जाता है आपके बीजामृत, ठीक है। तो यहां पर सी राइट आंसर है। अगला सवाल, यहां पर सवाल से पहले एक पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट का अभी कोई कोर्स ऑफर पूछा, लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम, जोधपुर से क्लासरूम से लाइव होगा ये, और यहां अगर देखें स्टार्ट डेट इसकी 13 फरवरी तक, जो विद्यार्थी 13 फरवरी तक इसको खरीदेगा या 13 फरवरी तक इस कोर्स में जुड़ता है तो वहां उनके लिए क्या है, डिस्काउंट है 13 फरवरी तक, ये कोर्स 2500 रुपए में आपको दिखाई देगा, इसके बाद जो भी रेट होगी वो इसकी बढ़ जाएगी। स्पेशली बी पार्ट पर फोकस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, क्लास पीडीएफ मिलेगी, वीकली टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। पैराक्वाट, पैराक्वाट में क्या समस्या है, ठीक है, लगा सकते हो, सिर्फ उसकी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज को देख करके वहां पर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी वही होता है, संपर्क। भाई मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, मैंने संपर्क किया। कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों की सिमिलर वर्ड है, प्रोनंसिएशन दोनों का जिसको कह सकते हैं डिफरेंस प्रोनंसिएशन में है, मीनिंग में जब इंग्लिश अल्फाबेटिकली देखा जाता है, इंग्लिश के नॉलेज के अकॉर्डिंग देखा जाता है, दोनों सही है। 70,000 की वैकेंसी में सुपरवाइजर की मैं बात करूंगा आपके 9:30 बजे, ठीक है, ए पार्ट का, ठीक है। तो पत्तीदार फसले जैसे पालक, अमरेंथस और स्पाइनिस, यानी पालक, चौलाई और स्पाइनिस जिसको कह सकते हैं, ये भी पालक का ही पार्ट है। प्रपरागित है या प्राय ऑप्टन क्रॉस पोलिनेशन है या सेल्फ पोलिनेटेड है या यूजुअली सेल्फ पोलिनेटेड है, आपको ये बताना है कि किस प्रकार की है। तो क्रॉस पोलिनेशन आपको दिखाई देगी, ये चाहे पालक हो और चाहे अमरेंथस चौलाई, अमरेंथस विरिडस कहते हैं जंगली चौलाई, तो क्या है, क्रॉस पोलिनेशन।
आम की मालफॉर्मेशन रोधी किस्म कौन सी है? मालफॉर्मेशन कौन सी क्वेश्चन में दे रखा है आपके अजय जी? एनसीईआरटी में ऑल ऑप्शंस दे रखा है। क्वेश्चंस बताओ फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। यहां देखिएगा, विच इज द मालफॉर्मेशन रेसिस्टेंट वैरायटी फॉर मैंगो? अल्फांसो, नीलम, दशहरी और भादुरान, चार वैरायटीज है आपके आम की, इनमें से रेसिस्टेंट वैरायटी कौन से? तो अगर हम यहां पर देखें, अल्फांसो यह निर्यातक वैरायटी से हापुस भी कहते हैं। एक मिनट थोड़ा देखिए, बीजामृत, बीजामृत में गोबर ठीक है, यूरिन ठीक है, चूना सोइल में इसका प्रयोग किया जाता है, सोइल यूज नहीं होती है ठीक है। जो आपके भारत सरकार का जो आपके बजट में जो लिखा हुआ था, बजट से क्वेश्चन उठाया था उसने और बजट में से ही क्वेश्चन को आपके पूछा था, वो वहां तीन ही लिखे हुए हैं बीजामृत में, गोबर, मूत्र और चूना। तो विच इज द मालफॉर्मेशन, हम मालफॉर्मेशन की बात करें तो अल्फांसो क्या है, इसे हापुस कहते हैं और ये क्या है, निर्यातक किस्म है आम की, ये निर्यातक किस्म है। नीलम जिसको कह सकते हैं रेगुलर फ्रूट बेयर है, लगातार फलन देता है ठीक है, लगातार फलन देता है। वहां पर लिखा हुआ है एक वर्जिन सोइल, इंग्लिश में वर्जिन सोइल लिखा हुआ है ठीक है, वर्जिन सोइल लिखा हुआ है आपकी बुक में, वर्जिन नहीं लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना आपको। पेपर में वर्जिन सोइल लिखा हुआ, वर्जिन सोइल का मतलब होती है जो कभी जुताई की ही नहीं गई हो। दशहरी और भादुरान, भादुरान जो इसकी वैरायटी है आम की, ये मालफॉर्मेशन से रेसिस्टेंट है, मालफॉर्मेशन की समस्या नहीं होती। ये मालफॉर्मेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है वानस्पतिक ठीक है, एक तो होता है वानस्पतिक मालफॉर्मेशन और दूसरा होता है पुष्पीय मालफॉर्मेशन। ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं, तो अभी तक इसका पर्टिकुलर कॉजेटिव जिसको कह सकते हैं एजेंट नहीं मिला है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पर इसका राइट आंसर डी भादुरान है। क्या होगी कट ऑफ? कट ऑफ को लेकर के उत्कर्ष ने अपना व्यू जारी कर दिया है, बता दिया है, यूट्यूब पर वीडियो पड़ा है। विश्व में कपास की प्रथम संकर किस्म H4 किसके द्वारा सूरत से विकसित की गई, गुजरात से विकसित की गई? तो लिखिएगा, बाय whom was the world's first hybrid variety of cotton H4 developed in सूरत? देखिएगा, कपास की जो पहली आपके H4 वैरायटी है वो सीटी पटेल ने विकसित की थी, सीटी पटेल साहब, इन्होंने 1970 में आपके विकसित की है और ये गुजरात से विकसित हुई है, सीटी पटेल। बीपी पोल साहब जिसको कह सकते हैं, ये आपके गुलाब प्रजनक है और ICAR के पहले DGB ठीक है, ICAR के क्या थे, तो ICAR के प्रथम DG। केसी मेहता, इनका संबंध रस्ट के साथ है। RS फरोदा, ये आपके ICAR में भी रहे हुए हैं, तो यहां पर ACT पटेल साहब इसका सही आंसर है। बिल्कुल मंजू खान जी, ए सही है। सुहानी बेटा बिल्कुल सही है। राकेश जी बिल्कुल बेटा राइट आंसर है। अगला देखिएगा, किन्नो एक संकर किस्म है, किन्नो एक किस्म है फलों में, फ्रूट्स में। नमस्ते एग्री भाई ईश्वर साईं जी, बिल्कुल रोज ब्रीडर है। तो किन्नो इज ए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मैंड्रीन, देखिएगा मैंड्रीन को हम क्या कहते, संतरा भी कहा जाता है, स्वीट ऑरेंज इसको हम माल्टा भी कह देते हैं, आपके पोंसिंस और शावर ऑरेंज। तो किन्नो जो वैरायटी है मैंड्रीन की वैरायटी है, राजस्थान में से गंगानगर में उगाया जाता है और भारत में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, भारत में सबसे ज्यादा होता है पंजाब में,
ठीक है, पंजाब में। इसका क्रॉस जो है इसको विकसित किया गया था एच बी फ्रोस्ट के द्वारा। इसका क्रॉस है आपके किंग इनटू विलोलिप, और ये डेवलप कहां से होती है, ये डेवलप होती है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। ठीक है, नींबू वर्गीय में सबसे ज्यादा ये तीनों फ्रूट्स आपको दिखाई देते हैं। जैसे माल्टा से एक वैरायटी है मौसम्बी, मौसम्बी माल्टा को मौसम्बी भी कहते हैं 1935, बिल्कुल ठीक है। ऑरेंज सिटी नागपुर, और राजस्थान का नागपुर झालावाड़। यहां अगर देखें तो एक वैरायटी है मौसमी, मौसमी भी कह देते हैं, मौसम्बी भी कह देते हैं, ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्वों से फलों की गुणवत्ता सुधरती है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स, जस्ते से, बोरोन से, कैल्शियम से, या पोटेशियम से। बोरोन जो होता है आपके शर्करा को क्या करता है, शर्करा को, आपके शर्करा जो होती है, जो शुगर होती है उसको मूवेबल करता है। ठीक है, तो यहां पर जिंक, बोरोन, कैल्शियम और पोटेशियम, तो यहां पर क्या है, क्वालिटी के सेंस में हमेशा किसका यूज होता है, पोटेशियम का यूज होता है। ये हमेशा क्या है, गुणवत्ता को सुधारने में यूज होता है, गुणवत्ता। ठीक है, तो डी इसका क्या है, राइट आंसर होगा। जिंक ऑक्सीजन के संश्लेषण को बढ़ाता है, जिंक जो क्या करता है, ऑक्सीजन के संश्लेषण को बढ़ाता है, ऑक्सीजन के संश्लेषण को बढ़ाता है। बोरोन जिसको कह सकते हैं पोलिनेशन में मदद करता है, बोरोन निषेचन में मदद करता है, पोलिनेशन में मदद करता है आपके बोरोन। साथ में ही बोरोन क्या है, शुगर कंटेंट जिसको कह सकते हैं उसको भी बढ़ाता है आपके शुगर कंटेंट। शुगर कंटेंट में आपके शर्करा को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, मूव करता है बोरोन। जिंक विशिष्ट रूप से ऑक्सीजन के संश्लेषण को बढ़ा देगा आपके। ठीक है, यहां पर बिल्कुल पोटेशियम, पोटेशियम की एक और विशेषता है, यह रोग प्रतिरोधकता। ठीक है, रोग प्रतिरोधकता, हाँ यहां देखिएगा जो खास क्या होगा, तो इसमें हम थोड़ा सा आपको बताना चाहिए, ये आपके एक विशिष्ट क्लास, राजस्थान कृषि बजट। देखिएगा इस बार राजस्थान में पूर्ण बजट पेश नहीं किया गया है, लेखा अनुदान बजट है, जो कि सरकार को काम करने के लिए कुछ समय के लिए बजट का प्रावधान करता है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या इस बजट में नया रहा, एग्रीकल्चर को क्या मिला इस बजट में। बजट 2024 और 25 के लिए पेश किया गया है, और क्या रहा किसानों के लिए, इसमें खास हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस चर्चा का विषय जो है बजट को लेकर है, जो कि हम मिलेंगे रात को 9:30 बजे इस क्लास के ठीक बाद में, इसी क्लास पर हम बजट को लेकर के चर्चा करने वाले। क्या इस बजट में एग्रीकल्चर को कोई वैकेंसी मिल सकती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस सेशन को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी अपने सभी ग्रुप्स में इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें जुड़ने की कोशिश करें। ठीक है, आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा फल क्लाइमेट्रिक नहीं है। देखिएगा फ्रूट को, जब फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो फ्रूट्स को दो भागों में बांट देते हैं, एक क्लाइमेट्रिक और एक नॉन क्लाइमेट्रिक। आप चाहे तो इसे रेस्पायरेशन के बेस पर बांट सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, रेस्पायरेशन के बेस पर, तो यहां देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज नॉट क्लाइमेट्रिक। आम क्लाइमेट्रिक है, तोड़ने के बाद आर्टिफिशियल रूप से पक जाता है। अंगूर, केला और चीकू, सपोटा। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे, अंगूर तोड़ने के बाद नहीं पकेगा आपके, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, निम्न में से किस फल की फसल लवण और सोडियम मृदा में सुग्राही है, तो इसमें क्या समस्या हो गई, 3-1 है और 1, ये तो आ गया ना हरमित मैला जी, आ गया ये क्वेश्चन तो आपके बुक इसमें एग्जाम में आ चुका।
ससेप्टेबल, इंग्लिश वर्ड ससेप्टेबल है, हिंदी हिंदी करके चली गई इसमें। तो यहां पर क्या है, अंगूर ससेप्टेबल और टॉलरेंट दो वर्ड यूज होते हैं, ससेप्टेबल और टॉलरेंट। यहां देखिएगा, लवण सहिष्णु किस्म साल्ट क्रिक किस फसल की किस्म है। देखिएगा यहां पर वर्ड लिखा हुआ है टॉलरेंट, टॉलरेंट का मतलब जो होता है उसे सहन कर लेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहां पर लिखा हुआ था ससेप्टेबल कि लवण और क्षार में ससेप्टेबल है ये क्रॉप, आप लवणीय और क्षारीय में नहीं उगा सकते इसे। साल्ट टॉलरेंट वैरायटी साल्ट क्रिक इज ए वैरायटी ऑफ विच फ्रूट, आम अंगूर नींबू और अमरूद। लवण से इष्णु किस्म साल्ट क्रिक, ये साल्ट क्रिक क्या है, एक रूट स्टॉक है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और ये रूट स्टॉक किस में काम में आता है, अंगूर का रूट स्टॉक है। आम में जैसे क्या है आपके, आम में जैसे कुछ रूट स्टॉक जैसे ओल्यूर कुरकुन, ठीक है। तो यहां पर बी राइट आंसर है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, पपीता की पाला प्रजाति आपके पाले से प्रतिरोधी है, विच पपाया इज फ्रोस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी, पाले का प्रभाव नहीं होगा, पाले को सहन कर लेगा। तो विच पपाया इज फ्रोस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी, केरिका पपाया, केरिका कोलीफ्लोरा, केरिका कैंडामार्सेंसिस या उपरोक्त सभी। तो कौन सी पाला की आपके पाला प्रजाति जो है पाले के प्रति रेसिस्टेंट है, पपाया की, केरिका पपाया, तो ये तो पाले को सहन नहीं कर पाएगी, पाले से प्रभावित हो जाएगी, ठीक है। तो केरिका पपाया तो नहीं होगा, केरिका कोलीफ्लोरा और केरिका कैंडामार्केंसिस, तो ये कैंडामार्केंडेंसिस जो है ये पाले के प्रति रेसिस्टेंट है, पाले से कम प्रभावित होती है, ठीक है। अरे भाई उसमें क्या है बेटा, देखो आम बेर बेलपत्र और आंवला, अगर ये क्वेश्चन कुछ भी हो, मैं आपसे अगर ये कहूं ना इनमें से बेमेल को छांटिए, ये क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग बेस पर भी हो सकता था, अगर आपको रीजनिंग आ रही थी तो उस पर भी कर सकते थे आप, सिर्फ आपको इसमें ये देखना था इनमें से बेमेल कौन सा है। बेर आंवला और बेलपत्र तीनों के तीनों एक समान पौधे हैं, एक जैसी जलवायु में हो सकते हैं तीनों, लेकिन ये अलग है। अब राजस्थान में इसकी खेती दक्षिण भारत में होती है, बल्कि इनकी खेती आपके क्या है उत्तर पश्चिमी राजस्थान में होती है। तो यहां पर क्या है, ये तो बेमेल है। अगर ये सवाल इतना भी पूछ लेता ना कि निम्न में से बेमेल फल को छाटो, तो बेमेल में भी आम ही आता, वहां तो देकर के पूछा था उसने, ठीक है। नमस्ते मुकेश जी, नमस्ते। तो यहां पर ये रूट स्टॉक है, ये ध्यान रखना, इसकी प्रजाति स्पेसीज। जिब्रेलिक अम्ल का व्यावसायिक स्तर पर किस फल का आकार बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड इज यूज्ड कमर्शियली टू इंक्रीज द साइज ऑफ विच फ्रूट, जिब्रेलिक अम्ल का व्यावसायिक कमर्शियल रूप से किस फ्रूट में प्रयोग किया जाता है उसकी साइज को बढ़ाने के लिए। GA3 की जब हम बात करते हैं, जिब्रेलिक एसिड की जब हम बात करते हैं, तो इसका प्रयोग हम थिनिंग में करते हैं आपके, ठीक है, थिनिंग में, किस में करते हैं, अंगूर में। और जब विरलीकरण होगा तो आपके अंगूर के जो ज्यादा अंगूर होते हैं गुच्छे में वो कम हो जाते हैं, तो आपको बढ़ने के लिए जगह मिल जाती है उसे, तो किस में किया जाता है, अंगूर में। तो जिब्रेलिक एसिड ppm का कंसंट्रेशन देखें, तो ppm का कंसंट्रेशन लगभग 50 से 60 ppm का कंसंट्रेशन आपको दिखाई देगा, तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, महाराष्ट्र में उगाए जाने वाले किस फल की किस्म ताज ए गणेश, ठीक है, विच फ्रूट वैरायटी ग्रोन इन ए महाराष्ट्र, ताज ए गणेश वैरायटी, आम की अमरूद की अंगूर की और केले की, ताज ए गणेश वैरायटी बताना है।
एक वैरायटी सिर्फ गणेश है। चलो मैं आपको वैरायटी लिखाता हूं, एक तो गणेश, ठीक है, एक श्री गणेश और एक ताज ए गणेश। तीनों वैरायटी कोई विद्यार्थी बताएगा क्या? तीन किस्म है, गणेश, श्री गणेश, ताज ए गणेश, तीनों तीन अलग अलग जगह है, तीनों तीन अलग अलग जगह है, आप आराम से देख सकते हैं इसे, गणेश, श्री गणेश, ताज ए गणेश। बताओ बेटा, देखे साहिल कटारिया जी, राकेश जी, सुहानी जी का भी आंसर आ गया। चले तो आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया, जान लेते हैं क्या है इसका राइट आंसर। हाँ देखो, ममता जी ने कहा कि सर ए तो उसकी है, पार्वती, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। पार्वती जी सेनी ने बिल्कुल सबके राइट आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया बेटा। गणेश, शाबाश बेटा। गणेश किसकी है? गणेश, गणेश वैरायटी अनार की है, सबसे ज्यादा यूज लिए जाने वाली वैरायटीज में। श्री गणेश किसकी है? तो श्री गणेश ग्लेडियोलस की वैरायटी है, ग्लेडियोलस की। और ताज ए गणेश, तो ताज ए गणेश अंगूर की किस्म है, ठीक है, किसकी है? अंगूर की किस्म है। तो यहां पर क्या है, ताज ए गणेश किसकी है? अंगूर की। गणेश अनार की वैरायटी है, सबसे ज्यादा यूज ली जाती है। श्री गणेश ग्लेडियोलस की है और ताज ए गणेश अंगूर की किस्म है। बिल्कुल स्वानी जी, आपका भी सही है बेटा, जो दिखाई दिया उसका बता दिया। ये आपके DSSSB सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का लाइव फ्रॉम स्टूडियोशिप बैच है, 25 जनवरी से आपके चला है। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, इस कोर्स में जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं। 3000 रुपये फीस है। T1 और T2 दोनों बैच आपके इसमें दिखाई देंगे, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। सही है आपका एस बिश्नोई जी, गणेश अनार की है, श्री गणेश ग्लेडियोलस, ताज गणेश अंगूर की। बहुभ्रूणता के कारण इसे बीज द्वारा भी उगाया जा सकता है। ड्यू टू इट्स पॉलीएम्ब्रियोनी इट कैन आल्सो बी ग्रोन थ्रू सीड्स। पॉलीएम्ब्रियोनी की वजह से, लेमन, नींबू, किन्नो और माल्टा, निम्न में से कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसे पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाने के कारण सीड के साथ भी उगाया जा सकता है, बीज से भी उगाया जाता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज किए, सिर्फ ये पूछना चाहता है कि निम्न में से किस में पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ड्यू टू इट्स पॉलीएम्ब्रियोनी इट कैन आल्सो बी ग्रोन थ्रू सीड्स। लेमन, नींबू, किन्नो और माल्टा, अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर सबसे बेटर आंसर है आपके पास नींबू। देखिएगा, नींबू है, जामुन है, आम है, इनमें क्या देखने को मिलती है? पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। और वैसे सिट्रस फ्रूट्स में, यहां पर किन्नो में भी आपके पॉलीएम्ब्रियोनी, माल्टे में भी और लेमन में भी पॉलीएम्ब्रियोनी, लेकिन बेस्ट आंसर कौन सा है? तो बेस्ट आंसर आपके यहां पर, तो बी इसका राइट आंसर है। चकोतरा, उसमें पॉलीएम्ब्रियोनी नहीं पाई जाती, एक्सेप्शन है नींबू वर्गीय में चकोतरा, जे आपके ठीक है, चकोतरे में नहीं पाई जाती, बाकी सभी नींबू वर्गियों में क्या पाई जाती? पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। लेकिन यहां पर चारों ही नींबू वर्गीय है, इसलिए इसमें से बेस्ट आंसर कौन सा होगा? बी, ओरेंटिफोलिया। तो यहां पर बी इसका राइट आंसर। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है? एक ही सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो पाए जाते हैं, ध्यान रखना आपको। तो यहां पर बी राइट आंसर है। अगला, श्री गंगानगर में उगाई जाने वाली प्रसिद्ध माल्टा ब्लड रेड किस नींबू प्रजाति के किस समूह का सदस्य है? द फेमस माल्टा ब्लड रेड वैरायटी, यह माल्टे की सबसे बेस्ट, चकोतरा नहीं है सबसे बड़ा फल,
कटहल है, ठीक है, जेक फ्रूट बोलते हैं उसको राकेश जी। चकोतरा को तो ब्रेकफास्ट फ्रूट बोला जाता है, ब्रेकफास्ट फ्रूट चकोतरा। आप जो कह रहे हो ना वो कटहल है, जेक फ्रूट कहते हैं उसे कटहल, ठीक है, आप जेक फ्रूट कहते हो उसे। माल्टे की, मौसम्बी की सबसे बेस्ट वैरायटीज में है आपके, तो द फेमस माल्टा ब्लड रेड वैरायटी ग्रोन इन श्रीगंगानगर इज ए मेंबर विच ग्रुप ऑफ सिट्रस स्पेसीज, सिट्रस रेटिकुलाटा, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, सिट्रस लिमोना और सिट्रस साइनेंसिस। तो आपको बताना है कौन सा आंसर है। सिट्रस साइनेंसिस को क्या कहते हैं, तो सिट्रस साइनेंसिस आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माल्टा स्वीट ऑरेंज सिट्रस साइनेंसिस, ठीक है, सिट्रस साइनेंसिस। आपके चकोतरा को वहां पर क्या है, मोनो एम्ब्रियोनी दिखा रखा है, कटल सबसे बड़ा फ्रूट, उसको चेक करना आपके, है ना राकेश जी। और सिट्रस रेटिकुलाटा आपके मैंडरिन में दिखाई देगा, ओरेंटिफोलिया आपके है ही नींबू में। तो गंगानगर में उगाई जाती है ब्लड रेड माल्टा, जो वैरायटी है सिट्रस साइनेंसिस की। फेरोमोन ट्रैप आकर्षित करता है, फेरोमोन ट्रैप आपके अट्रैक्ट करता है किसको, तो फेरोमोन ट्रैप अट्रैक्ट्स मादा को, सुंडियों को, कैटरपिलर्स को, या मादा सल्ब को, या नर सल्ब को, किसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। फेरोमोन जो ट्रैप्स होते हैं उन फेरोमोन ट्रैप्स में क्या यूज किया जाता है, तो इनमें यूज लिया जाता है मादा हार्मोन, और जब मादा हार्मोन यूज किया जाता है तो इनकी तरफ जो अट्रैक्ट होता है वो कौन, नर कीट अट्रैक्ट होते हैं, और नर कीट इस फेरोमोन ट्रैप में जाकर के फंस जाते हैं, उनको इकट्ठा करके नष्ट किया जाता है। तो यहां पर क्या है, नर को अट्रैक्ट करता है यहां पर। अगला, इनमें से कौन सा जैविक नियंत्रण कारक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोलॉजिकल कंट्रोल फैक्टर, बायोनीम, बायोलेप, डाइपेल या कार्बोरिल, कौन सा बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज नहीं होता। तो देखिएगा, बायोनीम कंट्रोल होता है आपके बायोलॉजिकल, नीम का प्रोडक्ट, प्रत्येक नीम जो होता है, प्रत्येक पार्ट नीम का यूटिलाइज होता है बायो के रूप में। बायोलेप का प्रयोग हम एज ए हर्बिसाइड यूज करते हैं, किसमें, आपके जो जॉनसन ग्रास है उसको कंट्रोल करने के लिए। नमस्ते सुनील कांतिवाल जी। तो बायोलेप का प्रयोग हम बरू को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, सोर्गम हेलिपेंस, इसको क्या कहते हैं, इसको सोर्गम हेलिपेंस कहा जाता है। डाइपेल और कार्बोरिल, कार्बोरिल एक केमिकल है जिसका प्रयोग नेमेटोड्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कार्बोरिल का प्रयोग किसमें करते हैं, तो कार्बोरिल का प्रयोग नेमेटोड को कंट्रोल करने में किया जाता है, सूत्रकर्मियों को कंट्रोल करने में, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पर डी इसका राइट आंसर है। भारत में गेहूं की स्टेम रस्ट पर सबसे अधिक काम किसने किया, वीट की रस्ट पर काम करने वाला व्यक्ति कौन है, आपको ये बताना, वीट रस्ट पर। हरमीत जी, राजस्थान सरकार, ये बेटा जीके का क्वेश्चन है, तो जीके का न तो मैं पढ़ाता और न मुझे इसका जीके का पता है, बाकी जो सर ने करवाया है कि जो करवाया उसको चेक कर लेना आपके, ठीक है। आपके नरेंद्र चौधरी सर ने अपने राजस्थान करंट अफेयर्स जो पढ़ाते उसमें भी वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, करवाते हैं। नहीं बाला नेहरा जी, कुछ पार्ट्स को छोड़ दे, बीजामृत किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज आता है। तो यहां पर हु डिड द मोस्ट वर्क ऑन द स्टेम रस्ट, आर प्रसाद, तो केसी मेहता साहब को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ रस्ट। तो फादर ऑफ रस्ट का जनक जो हम किसे कहते हैं, फादर ऑफ रस्ट आपके केसी मेहता। अरे भाई कहीं भी हुए, ठीक है, तो केसी मेहता। जिस विषय को नहीं पता उस पर चर्चा करने से कोई मतलब नहीं। ईजे बटलर साहब को हम फादर ऑफ इंडियन पैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। बाला नेहरा जी का, सर ये क्लास किस लिए है, ये क्लास बच्चों के लिए है, जो पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर जो पढ़ते हैं उनके लिए है। पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट की ये सेमिनार और टेस्ट जिसको कह सकते हैं आपके 11 फरवरी को होगा,
12:30 बजे दोपहर को उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स जोधपुर में आयोजित होगा। सेमिनार में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष क्या है, एक लक्ष्मण सर की आपकी ट्रिक वाली बुक जो है आपको निःशुल्क दी जाएगी। सेमिनार में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को पशु परिचर के पार्ट बी की जो पुस्तक है वो मात्र 100 रुपए में दी जाएगी, जिसकी कीमत 180 रुपए है। और यहाँ पर कुल 150 पर्सन है, समय 90 मिनट है और 150 ही अंक है। आपके कमेंट बॉक्स में एक कमेंट पिन किया, उसके माध्यम से आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक का नियम, हरमित मेला जी, स्टॉक का नियम लगता है आपके सोइल टेक्सचर में। एकमात्र रूल है, देखिएगा, सन 1882 में पहली बार किसने कहा कि पादप रोग नाशपति का फायर ब्लाइट रोग जीवाणु इर्विनिया एमाइलोवेरा से होता है। यह आपके क्या है, नाशपति में होने वाला एक क्या है, डिजीज है। और इस डिजीज के बारे में 1882 में सबसे पहली बार बताया कि एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है फायर ब्लाइट। तो फायर ब्लाइट किसमें होता है, ठीक है सर, किसके पेपर के लिए लगा रहे हो ये क्लास, एग्रीकल्चर के पेपर के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। सन 1882 में पहली बार किसने कहा कि पादप रोग नाशपति का फायर ब्लाइट रोग जीवाणु इर्विनिया एमाइलोवेरा से होता है। हु सेड द फर्स्ट टाइम इन 1882 दैट प्लांट डिजीज फायर ब्लाइट डिजीज ऑफ पियर इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इर्विनिया एमाइलोवेरा, रॉबर्ट कोच ने, ई एफ स्मिथ ने, कून और टीजे ब्यूरिल ने। तो किसने बताया था ये आपके, तो यहां पर अगर देखें तो ये टीजे ब्यूरिल नामक जो साइंटिस्ट है, इन्होंने आपके फायर ब्लाइट ऑफ पियर, ठीक है, फायर ब्लाइट ऑफ पियर में आपको देखने को मिला, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला सवाल, पानी पौधे का मुख्य पोषक है नामक सुझाव किसने दिया, हु गेव द सजेशन वाटर इज द मेन न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट्स, ये किसने कहा बताइएगा, ये किसने कहा कि पानी पौधे का मुख्य पोषक तत्व है, ठीक है। पीटर डी क्रेसेन जी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, जेबी हेलमोंट, फ्रांसिस बेकन और जेंथ्रो टूल, फादर ऑफ टिलेज। बीजामृत किससे मिलकर के बनता है, तो बता दिया ना बीजामृत, तो यहां पर अगर देखें तो ये फ्रांसिस बेकन जो है, इन्होंने ये कहा था कि पौधे का मुख्य पोषक तत्व तो क्या है, जल है। राज्य में संविदा खेती की शुरुआत कब हुई, ये राजस्थान की बात कर रहा है कि राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत कब हुई। वैसे तो राजस्थान में कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन लीगली रूप से अगर इसके प्रोसेस की बात करें तो यह लीगली रूप से आपके कब जो है आया था, 11 जून 2004, 2005, 2006 और 2010। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि कोई निजी कंपनी किसान की जमीन को कुछ समय के लिए लीज पर लेती है, सभी टेक्निक्स खुद की होती है, सभी आपके सीड या जिसको कह सकते हैं दवाइयां सभी कंपनी की होती है, किसान की सिर्फ मेहनत होती है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको कह सकते हैं आपको दिखाई देगी। लीगली ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपके 2004 में देखी गई थी आपके पहली बार। टिड्डी कौन सी मृदा में अंडे देना ज्यादा पसंद करती है, इन विच सोइल डू लोकस्ट प्रिफर टू ले एग्स, टिड्डी में आपके सबसे भयंकर जो नुकसान पहुंचाती है वह है डेजर्ट लोकस, जिसे शिष्टोसरका ग्रिगेरिया कहते हैं, ठीक है, शिष्टोसरका ग्रिगेरिया। तो यहां पर टिड्डी इसको कह देते हैं आपके शिष्टोसरका ग्रिगेरिया, यह डेजर्ट लोकस्ट है, जलोढ़ मृदा, भारी मृदा, रेतीली, तो ये रेतीली मृदाओं में अंडे देना पसंद करती है। अगर रेतीली मृदाओं में हल्की सी बरसात और हो जाए, हल्की सी नमी और आ जाए, तो ये इसकी फेवरेबल कंडीशंस है, सी इसका राइट आंसर है। अगला, भारत सरकार द्वारा कौन से वर्ष को बागवानी वर्ष घोषित किया गया, विच ईयर वाज डिक्लेयर एज ए हॉर्टिकल्चर ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किस वर्ष को भारत सरकार ने बागवानी वर्ष मनाने के रूप में घोषित किया,
2010, 2012, 2014 और 2016 तो सरकार ने वर्ष 2012 को बागवानी वर्ष मनाने के लिए घोषित किया था, ये ध्यान रखना है आपको। यह क्लास जिसको कह सकते हैं 12 नेहरा जी, कौन से क्लास बेटा? ये क्लास जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट डब्ल्यू एओ डी ट्रिपल एस बी, इन सभी एग्जाम्स में आपके काम में आएगी। ठीक है, तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। यह विशिष्ट सेशन है, अपने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस क्लास को जरूर शेयर करें और ठीक 9:30 बजे इसी सेशन पर इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत होगा। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन आज के सेशन में। मिलते हैं ठीक 9:15 बजे आपके, 9:30 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।